तो प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव के शुरुआत में काफी ज्यादा आपको बता दें कि पीछे नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव हुए बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी सूची जारी की गई और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिस तरीके से चरणवार प्रत्याशी सूची के साथ साथ ही ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी अचानक से आपको बता दें कि यहां पर फाइट में आ गई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में बहुजन समाज पार्टी यहां पर कई सारी रैलियां और कार्यकर्ता सम्मेलन और ज्यादा करने वाली है। 6 तारीख को नगीना से शुरू हुई बहुजन समाज पार्टी की रैलियों का कार्यक्रम लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचा। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस बार अलग अलग चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पहले वहां पर आकाश आनंद जाकर चुनावी जनसभा करते हैं, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी चुनाव रैली करती है। प्रथम चरण की अगर देखने की कोशिश करें तो प्रथम चरण में बहुजन समाज पार्टी ने काफी ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से अब बहुजन समाज पार्टी यहां पर काफी अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। प्रथम चरण की कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सियासी ताकत दिखाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के उत्तर प्रदेश में आज भी आपको बता दें कि जाटा और अनुसूचित जाति के लोग उनकी मानते हैं, उनको सुनते हैं। यही वजह है कि उनकी रैलियों के अंदर भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या बड़े पैमाने पर रही। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी को काफी मेहनत करने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पिछले वर्षों की तरह फिर से मजबूत होती है तो बाहरी राज्यों में भी उसको काफी अच्छा फायदा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी को अन्य राज्यों में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा था। लेकिन अब आपको बता दें कि आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा की जा रही ये ताबड़तोड़ रैलियों का परिणाम तो 4 जून को आएगा, लेकिन इस बार आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा तरीके से चुनाव लड़ रही है। अगर अभी विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो विधानसभा चुनाव जो बीएसपी ने लड़े थे तो उनसे भी बेहतर तरीके से बीएसपी इस बार है वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी को कितना मजबूती के साथ बेनिफिट है वो हो पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा जैसे चुनाव के अंदर अपने वोट प्रतिशत को भी काबू रखने पाने में कामयाब हो पाती है तो भी बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत हो